दोस्तों फाइनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अपने एक्टिंग करियर का वो मिसिंग पार्ट मिल चुका है जिसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। जी हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले लेजेंडरी एक्टर आरडीजी को इतने सालों के इंतजार के बाद ओपनहाइमर में अपने अमेजिंग रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर मिल चुका है। आई नो ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग जरूर है कि ये उनका पहला ऑस्कर है, बट एक ऑस्कर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एनीवेज, जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि इस बार एकेडमी अवार्ड्स में क्रिस्टोफर नोलन की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी ओपनहाइमर को एटलीस्ट 2 या 3 कैटेगरीज में ऑस्कर मिलने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि ओपनहाइमर ने टोटल 7 ऑस्कर जीते हैं, जहां टोटल 13 कैटेगरीज में इस मूवी को नॉमिनेट किया गया था, जहां क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस को बेस्ट पिक्चर के लिए, किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर के लिए, आरडीजी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, क्रिस्टोफर नोलन को अगेन बेस्ट डायरेक्टर के लिए, लुडविक गोरनसन को बेस्ट म्यूजिक के लिए, होइट वेन होइटेमा को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए और जेनिफर लेम को बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए ऑस्कर मिला। एंड फॉर्चुनेटली आरडीजे, किलियन मर्फी और क्रिस्टोफर नोलन तीनों का ही अपने रिस्पेक्टिव करियर्स का फर्स्ट ऑस्कर है। और अगर एमसीयू की बात करें तो सिर्फ 2 मूवीज जो इस बार के ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी वो थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और स्पाइडरवर्स को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। एंड फैंस को स्पाइडरवर्स से काफी उम्मीदें थी, जहां मैं भी काफी एक्साइटेड था, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मूवी फ्रेंचाइजेस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड द बॉय एंड द हेरन को मिला। एंड फैंस का रिएक्शन यहाँ देखने लायक था। यहाँ तक कि इस अवार्ड के बाद स्पाइडरवर्स में माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को वॉइस देने वाले एक्टर शेमिक मूर ने ट्विटर पे अपना रिएक्शन भी दिया, जहाँ उन्होंने ट्वीट करके रॉब लिखा, मतलब वो इससे खुश नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने विनर्स को रिस्पेक्ट देते हुए एक और ट्वीट किया, जहाँ उन्होंने खुद को एक बुरा लूजर बताया, जहाँ उन्होंने बताया कि हम हारे नहीं है, हमने लोगों के दिल जीते हैं और हम आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। और बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की तो एमा स्टोन को पुअर थिंग्स में अपने परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला। और इसी दौरान हमें एक फनी मोमेंट भी देखने को मिला, जहाँ जॉन सीना बिना किसी कपड़ों के स्टेज पर अवार्ड देने आ गए, जहाँ वो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड प्रेजेंट करने आए थे। सो ओवरऑल अगर देखे तो ओपनहाइमर ने इस साल के ऑस्कर्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। आई मीन इतना डोमिनेट किया है कि उससे हटकर कोई बात ही नहीं करना चाहता, बट एट द एंड आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन। गाइस, आपका इस बार के ऑस्कर्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।